आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड एमसीएम 301 का लेसन नंबर 44 एंड लेसन नंबर 45। राइटिंग रिज्यूम जो है हम लेसन नंबर 43 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है फंक्शनल रिज्यूम की। कि फंक्शनल रिज्यूम में जो चीजें एम्फेसाइज करनी चाहिए वो है कि आप अपने स्किल्स, अपनी अकम्पलिशमेंट्स, आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉयर्स, अकेडमिक, अपना जो भी आपका अकेडमिक एक्सपीरियंस है, ये चीजें लाजमी लिस्ट में शामिल करें। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है जो भी पढ़ेगा उस पर अच्छा इंप्रेशन होगा, और जो भी आपके पहले जॉब आप कर चुके हैं उसकी भी आप डिटेल लाजमी दें, और जो भी आप फ्यूचर में जो आपका प्रोग्रेस है जो आप करना चाहते हैं वो बताएं, और लैक ऑफ कैरियर प्रोग्रेस को थोड़ा कम ही रखें, मतलब अपनी कमियां जो है वो ना बताएं। दीज सजेशंस एड इन कॉम्प्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें वो कहते हैं कि करनी चाहिए, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफर किया जाता है कि ये आप अपने जॉब के लिए फिल कर दें, ठीक है, उसमें सबसे पहली बात के उसकी एक कॉपी भी अपने पास रख लें, ठीक है, और फिर जिस डेट पर उन्होंने कहा उस डेट पर उसे सबमिट भी करवाएं, और उसको केयरफुली इंस्ट्रक्शंस पहले उसकी पढ़ें और फिर उसको फिल करना स्टार्ट करें, और फिर देखिए कि उन्होंने आपसे प्रिंटिंग मांगी है या हैंड राइटिंग मांगा है, ठीक है, तो उसी तरह करें। अगर प्रिंटिंग है तो अपने कंप्यूटर से प्रिंट निकलवा के उसे सबमिट करवाएं, तो कोई भी उसका जो फॉर्म के अंदर ब्लैंक है वो उसको आप अनकम्प्लीट ना छोड़ें, इनकम्प्लीट ना छोड़ें। उसके बाद फिर उसको करेक्टली और नीटली उसको फिल करें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं उनको बहुत ही केयरफुली ऑर्गेनाइज करें, अपने क्वेश्चंस को ड्राफ्ट में लेके जाएं, मतलब दोबारा उसे रीड करें, और फिर एक बहुत ही ज्यादा वेल मैनर्ड तरीके से एम्फसाइज करके स्ट्रेंथन अपना वो जो कंटेंट है वो लिखें, और कोई भी वीकनेस ना हो उसके अंदर, और फिर अपने रिज्यूम को केयरफुली दोबारा तमाम क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर आप उसे सबमिट करवाएं। नीचे भी यही बात की जा रही है कि जो पहले पढ़ चुके हैं, अब अगर इंटरव्यू की बात हो रही है, इंटरव्यू की बात करते हैं। हम सब जानते हैं इंटरव्यू क्या होता है, कि जो आपका ओरल इंटरव्यू होता है फेस टू फेस होता है या वीडियो कॉल पे होता है या जैसे भी होता है, ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ें जरूरी है। सबसे पहले गेटिंग रेडी, अपनी जो आपकी रिज्यूम है उसको आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, ये हम शॉर्टली पढ़ेंगे वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा, और ये सिंपल सी बातें आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी। थिंकिंग अहेड अबाउट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे होने हैं उनके बारे में पहले ही मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें, वो आपसे आपके बारे में पूछ सकते हैं, आपके स्ट्रेंथ के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके अंदर आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या कमी है, आपका जीपीए के बारे में पूछ सकते हैं, आप किस तरह के आदर्शन में काम करना चाहते हैं, आपकी आगे मैंने से क्या तब्दीली होगी अगर हम आपको हायर करते हैं, प्रीवियस जॉब के बारे में पूछ सकते हैं। मेक अ गुड इंप्रेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू पर में रहते हुए एक अच्छा इंप्रेशन कैसे डाल सकते हैं कि आप ऑन द टाइम पहुंचे, कॉन्फिडेंट रहें, आई कॉन्टेंट आपका इंटरव्यू की तरफ बिल्कुल ठीक हो, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट ऑनेस्ट आंसर दें, जहां से आपको क्वेश्चन नहीं आता आपसे बोल दें आई डोंट नो सॉरी फॉर दैट, अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट सैलरी, सैलरी के बारे में क्वेश्चंस ना पूछें। व्हाट डू इंटरव्यूअर्स एवेल्युएट, इसमें हमारे पास हमने आगे बताया कि मेंटली तौर पे आप अलर्ट रहें, और इज द एप्लीकेंट एबल टू ड्रा प्रॉपर इन्फरेंस एंड कंक्लूजन, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस बताए हुए हैं जो कि इंटरव्यूअर एवेल्युएट कर सकता है। द मोस्ट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एम्प्लॉयर आर लुकिंग फॉर, जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं एम्प्लॉयर्स के लिए वो कौन कौन से हैं, कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, प्रोफिशिएंसी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी में, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी, इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, ये चीजें हैं जो आपकी बहुत ज्यादा जो है वो क्या लिखा हुआ है किधर गया है, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पर। उसके बाद पीपल विद हाई ईक्यू, ईक्यू क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनका ईक्यू बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और उनका क्या उनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिन लोगों का ईक्यू हाई होता है उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस पाई जाती है, गुड इंपल्स कंट्रोल होते हैं, कॉन्फिडेंट, सेल्फ मोटिवेशनल होते हैं, और उनका कम्युनिकेशन का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फिर आगे नीचे भी उन्होंने यही बातें बताई हुई है कि वो अंडर प्रेशर भी अच्छे से काम परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को वो एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉमिसेस को पूरा करते हैं, मीटिंग के गोल्स को पूरा करते हैं, और डिफरेंट किस्म के आइडियाज क्रिएट करते हैं, और आगे सारे उनके फैक्टर्स बताए हुए हैं, उनकी क्वालिटीज बताई हुई है, करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, जो आप लोगों ने रीड कर लेने हैं। यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4 एंड होता है, और लेसन नंबर 45 जो है इसमें कंप्लीट ओवरव्यू बताया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 से लेके 45 तक, और ये हम नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि इससे हमारे पेपर में कुछ नहीं आने वाला, हम सारा कुछ पहले ही पढ़ाए हैं, और इससे बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जो हमारे मिड टर्म में हो चुका होगा, तो इसलिए हम इसे रीड नहीं करेंगे। तो कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हमारा एमसीएम 301 का जो कोर्स है वो एंड होता है। मैंने आप लोगों को फाइनल टर्म के लेसन नंबर 22 से 45 तक सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी मेरी कोई मिस्टेक मिली है तो आई एम ऑल्सो अ लर्नर, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं,
आप लोग खुद किसी से उसको उसके बारे में सीख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट अगर कोई भी गलती हुई हो। और मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है तो मेरा थोड़ा सा हक तो बनता है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम दूसरे जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड करेंगे और मेरी दुआ है करा तला आप लोगों को हर फील्ड में कामयाब करें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और यहाँ पर ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।